नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की उदया तिथि पूर्णिमा और शनिवार का दिन है। पूर्णिमा तिथि आज सुबह 6:38 पर समाप्त हो चुकी है। फिलहाल आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि चल रही है। आज शाम 4:45 तक शुक्ल योग रहेगा, साथ ही आज शाम 5:54 तक मूल नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा स्नान दान की पूर्णिमा है आज। आज संत कबीर दास जी की जयंती भी है, आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर, आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्ती किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यही जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 23 जून की देर रात 3:27 से अगली सुबह 5:12 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 23 जून की शाम 5:04 से अगली सुबह 5:12 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:24 से शुरू हो चुका है और दोपहर पहले 11:51 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 23 जून की सुबह 5:24 से दोपहर पहले 11:47 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 23 जून की शाम 5:04 से रात 8:45 तक और एक बार फिर रात 10:28 से रात 10:48 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 23 जून की शाम 5:34 से रात 9:15 तक और एक बार फिर रात 10:58 से 10:58 से रात 11:18 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 5:54 से रात 8:49 तक और एक बार फिर रात 10:32 से रात 2:59 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 23 जून की शाम 5:04 से रात 8:45 तक और एक बार फिर रात 10:28 से रात 10:48 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:38 से शुरू हो चुका है और दोपहर पहले 11:51 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह अशुभ समय 24 जून की शाम 4:16 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, कर्क और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 पहले और 12 बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं,
कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 8:53 से सुबह 10:38 तक, मुंबई सुबह 9:21 से दोपहर पहले 11:01 तक, चंडीगढ़ सुबह 8:52 से सुबह 10:38 तक, लखनऊ सुबह 8:40 से सुबह 10:24 तक, भोपाल सुबह 8:58 से सुबह 10:40 तक, कोलकाता सुबह 8:15 से सुबह 9:57 तक, अहमदाबाद सुबह 9:17 से सुबह 10:59 तक, और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 8:57 से सुबह 10:34 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर पूर्व और पूर्व। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन लाभ देने वाला है, फायदा करने वाला है। इस राशि के लोगों को आज धन की प्राप्ति हो सकती है। महिलाओं के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है, उन्हें अपने ननिहाल या मायके की तरफ से खुशखबरी मिल सकती है। आज आपके विचारों को ऑफिस में सीनियर्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। आज आप भविष्य के लिए कोई खास निर्णय ले सकते हैं जो आगे चलकर कारगर साबित होगा। आज समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा। आज आपका कोई मित्र या रिश्तेदार आपसे मिलने आपके घर आ सकता है। आज आपको किसी अनजान व्यक्ति से सतर्क रहने की आवश्यकता है। आज आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। आज आपका धार्मिक कार्यों में रुझान बढ़ सकता है। आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा। आज जॉब सर्च करने वालों को किसी मल्टीनेशनल कंपनी से ऑफर मिल सकता है। लवमेट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए विदेश भी जा सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन लाभदायक रहने वाला है। आज आपके करीबी आपको अचानक गिफ्ट देकर चकित कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामले में आज आपको सफलता हासिल होगी। आज आप शाम का समय बच्चों के साथ व्यतीत करेंगे। इस राशि के लोग आज बिजनेस में सोच समझकर फैसला लें, इससे आपको सफलता की प्राप्ति होगी। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। नव विवाहित दंपति आज एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 1। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपकी मनोकामना पूरी करने वाला है। आज आपको लोगों के बीच अपनी अच्छी छवि बनाने का पूरा मौका मिलेगा। आज आपके विरोधी आपसे दूर ही रहेंगे। आज आप दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। आज नया इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं। आज भाई आपसे पढ़ाई के विषय में जानकारी लेंगे। आज व्यापार में अच्छा लाभ होने से आपका आर्थिक पक्ष मजबूत बनेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 9। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आएगा। ये परिणाम व्यवसाय से जुड़ा हो सकता है। आज आपके जीवन में खुशियों की बौछार होगी। आज एक से अधिक सोर्सेस से आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आपकी तरक्की से आज घर वालों को आप पर गर्व होगा। मन में नए नए विचार उत्पन्न होंगे। घर के सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आज किसी काम को पूरा करने के लिए नए तरीकों पर विचार करेंगे। नए वाहन का सुख प्राप्त होगा। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। आज कार्यों में आपको माता पिता का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थी खूब मन लगाकर पढ़ाई करते हुए नजर आएंगे। ऑफिस में आपके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए आपको सम्मानित किया जा सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 9। तुला राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। आज आपको शासन व सत्ता का पूरा लाभ मिलेगा और आपके प्रभाव व प्रताप में वृद्धि होने से
आपको खुशी होगी। संतान की सफलता आपको प्रसन्न कर सकती है। इस राशि के लोगों के व्यापार में आज दो गुना वृद्धि होगी। अगर घर में कोई परिवर्तन संबंधी निर्णय लेना चाहते हैं तो आज का दिन अच्छा है। आज भाई के साथ किसी बात को लेकर विचार विमर्श करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। व्यापार में रुकी हुई योजनाओं को शुरू करने से आपकी व्यस्तता बढ़ी रहेगी। आज आपकी कोई कार्य योजना सफल होगी। आपकी शादी की चल रही बात आज फाइनल हो सकती है। वेब डिजाइनिंग के लोग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बैंक में कार्यरत लोगों का उनकी मनपसंद जगह ट्रांसफर हो सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 7। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए व्यस्तता से भरा रहने वाला है। छात्र छात्राओं को अपने काम को कल पर नहीं टालना चाहिए। आपको जब भी खाली समय मिले अपने काम को पूरा कर लें। कुछ नए विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी जिसमें गुरुजनों का साथ मिलेगा। मित्रों की सहायता से आपको आय के साधन मिलेंगे जिनसे आप लाभ कमाने में कामयाब रहेंगे। आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर रहेगी। कुल मिलाकर आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 1। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक रहने वाला है। आप बेवजह की उलझन से दूर होकर आप किसी धार्मिक स्थल पर अपना कुछ समय बिताएंगे। यात्रा पर भी जाने के योग बन रहे हैं। यात्रा आपके लिए सुखद रहेगी। पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा, साथ ही उनके साथ कुछ समय व्यतीत करेंगे जिससे आपकी पुरानी यादें ताज़ा होंगी। लवमेट के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। छात्रों को सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 6। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आप किसी काम को लेकर उत्साहित होंगे। काम आसानी व समय से पूरा हो जाएगा। आपके आय के नए स्रोत बढ़ेंगे। कला और साहित्य के क्षेत्र में रुझान रहेगा। आज किसी कार्य में आपको अपने जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। आज आपका दाम्पत्य जीवन शानदार रहने वाला है। बच्चे आज खेल कूद में व्यस्त रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 3। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बदलाव से भरा रहने वाला है। आज आपको पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा। आज किसी धार्मिक समारोह में परिवार के साथ सम्मिलित होंगे। आज आपकी वाणी में मधुरता का भाव रहेगा। राजनीति में सफलता प्राप्त होगी। सभा को संबोधित करने का मौका मिलेगा। लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। व्यापार में रोज की अपेक्षा ज़्यादा मुनाफा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 7। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज केले के पेड़ की पूजा करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज गाय को गुड़ खिलाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज किसी नए काम की ओर आपका झुकाव हो सकता है। आपके मन में नए नए विचार आएंगे। मूलांक 2, आज आपको बिजनेस में किसी बड़े ग्रुप से जुड़ने का अवसर मिल सकता है। मूलांक 3, आज आप किसी नए विषय पर घर वालों से चर्चा करेंगे। आपके विचारों से घर के सदस्य सहमत होंगे। मूलांक 4, अगर आप किसी काम को शुरू करने की सोच रहे हैं तो उस क्षेत्र से संबंधित एक्सपर्ट की राय जरूर ले लीजिए। मूलांक 5, आज आप कोई मनपसंद नॉवेल पढ़कर अपना समय व्यतीत करेंगे। मूलांक 6, आज के दिन आप कुछ नया सीखेंगे जो आपके लिए कारगर साबित होगा। मूलांक 7, शिल्प कला से जुड़े लोगों को अपनी कला प्रदर्शन का अवसर मिल सकता है। मूलांक 8, आज दूसरों के सामने खुलकर अपनी बात रखेंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मूलांक 9, आज आपकी भाषा में मधुरता व सरलता रहेगी, इससे दूसरे लोग आपसे प्रभावित होंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर के आग्नेय कोण में सीढ़ियां बनवाने के बारे में। घर का आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा अग्नि का स्थान होता है। अग्नि का स्थान होने से मंगल देव का भी इस स्थान पर आधिपत्य माना जाता है। यह स्थान घर में रसोई
विद्युत उपकरण आदि के लिए सबसे अच्छा स्थान माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आग्नेय कोण ईशान व वायव्य से ऊंचा और नैऋत्य से नीचा रहना चाहिए। आग्नेय कोण का किसी भी दिशा में बढ़ना शुभ नहीं होता, इसे केवल वर्गाकार या आयताकार रूप दिया जा सकता है। इसी वजह से घर के आग्नेय कोण में सीढ़ियों का निर्माण अवॉइड करें तो अच्छा है। इस कोण में सीढ़ियाँ बनवाने से संतान के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। देखो, जो आग्नेय कोण है इसके दो हिस्से हैं, एक हिस्से पर शुक्र का आधिपत्य और दूसरे हिस्से पर मंगल का आधिपत्य। मंगल का संबंध अग्नि से है और रसोई में अग्नि ही जलती है और साउथ ईस्ट में रसोई बनाई जाती है। तो वास्तुशास्त्र में ऐसी चर्चा घर के आग्नेय कोण में सीढ़ियाँ बनवाने के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की उदया तिथि पूर्णिमा और शनिवार का दिन है। पूर्णिमा तिथि आज सुबह 6:38 पर समाप्त हो चुकी है। फिलहाल आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि चल रही है। आज शाम 4:45 तक शुक्ल योग रहेगा। इस योग के दौरान किए गए कोई भी कार्य सफलता दिलाने वाले होते हैं। कहते हैं इस योग में गुरु अथवा भगवान की कृपा बरसती है जिससे सारे कार्य सिद्ध होते हैं। इस योग में कोई भी कार्य सीखने या करने से उसमें पूर्ण रूप से सफलता मिलती है। साथ ही आज शाम 5:54 तक मूल नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से मूल 19वां नक्षत्र है। मूल का अर्थ होता है केंद्रीय बिंदु या जड़। इसके अनुसार एक साथ बंधी हुई कुछ पौधों की जड़ों को मूल नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ये नक्षत्र बहुत से रहस्यों, गुप्त विद्याओं तथा अदृश्य शक्तियों के साथ जुड़ा रहता है। इस नक्षत्र की एक खासियत ये भी है कि जिस प्रकार किसी पेड़ को काट देने के बाद भी वो अपनी जड़ों के माध्यम से अपने शरीर को पुनः प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार मूल नक्षत्र भी अपनी खोई हुई शक्ति और आधिपत्य को पुनः प्राप्त कर लेने की क्षमता रखता है। अगर मूल नक्षत्र में जन्मे जातकों की बात करें तो ये लोग आमतौर पर अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित होते हैं। ये कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तब तक प्रयास करते रहते हैं जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। मूल नक्षत्र का संबंध छाया ग्रह केतु से है। साथ ही आपको बता दूं कि मूल नक्षत्र का पेड़ साल है, लिहाजा मूल नक्षत्र में जन्मे जातकों को मूल नक्षत्र के दौरान साल के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपके धन धान्य में वृद्धि भी होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले शुक्ल योग और मूल नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज मनाई जाने वाली पूर्णिमा के बारे में। आज स्नान दान की पूर्णिमा है। बता दूं कि जब पूर्णिमा 2 दिनों की होती है तो पहले दिन व्रत किया जाता है और दूसरे दिन स्नान दान आदि किया जाता है। बता दूं कि पूर्णिमा तिथि बीते हुए कल यानी 21 जून की सुबह 7:33 से आज सुबह 6:38 तक थी, लिहाजा व्रत की पूर्णिमा तो कल ही मनाई जा चुकी है और आज उदया तिथि पूर्णिमा में स्नान दान की पूर्णिमा मनाई जा रही है। आज के दिन देव स्नान पूर्णिमा भी है। आज के दिन भगवान जगन्नाथ की जल यात्रा निकाली जाएगी। आज के दिन भगवान जगन्नाथ के साथ उनके सुदर्शन चक्र, बलभद्र और बहन सुभद्रा को कलश के द्वारा जल से स्नान कराया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये स्नान लगभग पूरा दिन कराने के कारण भगवान बीमार पड़ जाएंगे और फिर उन्हें मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। इस दौरान किसी भी भक्तगण को भगवान के दर्शन करने की इजाज़त नहीं होती है। लगभग 15 दिनों तक भगवान गर्भगृह में ही विराजमान रहते हैं। उसके बाद देश भर में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। तो ये थी आज देव स्नान पूर्णिमा की चर्चा। आपको बता दूँ कि आज दाक्षिणात्यों का वट सावित्री व्रत भी है। आज के दिन विवाहित महिलाओं द्वारा अपने सौभाग्य के लिए और अपने पति की लंबी आयु के लिए वट यानी बरगद के पेड़ की उपासना करनी होती है, साथ ही व्रत भी किया जाता है। इसके अलावा आज बिल्व त्रिराति भी है। आज के दिन बिल्व पत्रों से उमा महेश्वर यानी भगवान शंकर की पूजा की जाती है। ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा में बिल्व त्रिराति के दिन वैसे तो सुबह उठकर सरसों मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए और बिल्व वृक्ष की विधिवत पूजा करके व्रत करना चाहिए
और केवल एक बार भोजन करना चाहिए। लेकिन चूंकि पूर्णिमा का व्रत कल ही हो चुका है, लिहाजा आज के दिन केवल बिल्व वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और बिल्व पत्रों से उमा और भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। तो ये थी स्नान दान के पूर्णिमा के बारे में, और अब बात करते हैं आज मनाई जाने वाली कबीरदास जी की जयंती के बारे में। आज संत कबीरदास जी की जयंती भी मनाई जाएगी। भारत की तपोभूमि पर अनेक संत महात्माओं ने जन्म लिया है। इन्हीं में से एक भक्ति काल के प्रमुख कवियों में गिने जाने वाले संत कबीरदास जी हैं। संत कबीर ने अपना पूरा जीवन समाज सुधार के कार्यों में लगा दिया। इन्होंने लोगों को एकता के सूत्र का पाठ पढ़ाया। एक महान संत के साथ कबीरदास जी एक अच्छे लेखक और कवि भी थे। इनकी रचनाओं में मुख्य रूप से राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी, पूर्वी, ब्रजभाषा का समावेश देखने को मिलता है। कबीरदास जी भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे। उनका मत था कि जिस परमात्मा की तलाश में हम दर दर भटकते हैं, वो तो हमारे अंदर है, बस हम अज्ञानवश उसे देख नहीं पाते। तो ये थी चर्चा आज मनाई जाने वाली संत कबीरदास जी की जयंती के बारे में। और अब बात करते हैं आज स्नान दान की पूर्णिमा और बिल्व त्रिराति के संयोग में किए जाने वाले उपायों की। अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है, तो आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद बिल्व वृक्ष के पास जाना चाहिए और वहां जाकर वृक्ष के पास थोड़ी धूप जलानी चाहिए। इसके बाद उस धूप से निकलते हुए धुएं को अपने दोनों हाथों से लेकर अपनी बंद आँखों पर धीरे धीरे करके लगाएं और हाथों को कान के पीछे तक ले जाएं। अब अपनी आँखों को खोल लें और बिल्व वृक्ष को प्रणाम करके घर वापस आ जाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपकी शादीशुदा जिंदगी में चल रही परेशानी जल्द ही समाप्त होगी। अगर आप अपनी जिंदगी को खुशियों से भरना चाहते हैं, तो आज के दिन स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहने, इसके बाद एक लोटे में जल लेकर बिल्व वृक्ष यानी बेल के पेड़ के पास जाएं और उसकी जड़ में जल चढ़ाएं, साथ ही ओम शब्द का उच्चारण करें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। अगर लवमेट के साथ आपकी किसी बात को लेकर अनबन चल रही है, तो आज के दिन स्नान आदि के बाद एक पात्र में जौ के दाने लेकर पात्र समेत बिल वृक्ष के नीचे रखाएं और 2 मिनट वहीं बैठकर भगवान शिव का ध्यान करें। आज के दिन ऐसा करने से लवमेट के साथ चल रही अनबन जल्द ही दूर होगी। अगर आप हर प्रकार की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद बिल्व वृक्ष के पास जाकर मिट्टी के दीपक में घी और बत्ती डालकर जोत जलानी चाहिए, साथ ही बेल का फल लेकर शिव जी को अर्पित करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको हर प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। अगर आप जीवन में अथाह धन लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको खीर और घी के साथ बिल्व वृक्ष यानी बेल के पेड़ की समिधाओं से हवन करना चाहिए। बिल्व वृक्ष की समिधाएं आपको किसी भी पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएंगी। आज के दिन बिल्व वृक्ष की समिधाओं से होम करने से आपको अथाह धनलक्ष्मी की प्राप्ति होगी। अगर आप अपनी संतान के जीवन में तरक्की देखना चाहते हैं, तो आज के दिन स्नान आदि के बाद एक मुट्ठी गेहूं के दाने लीजिए और उन्हें अपनी संतान के हाथों से स्पर्श कराइए। अब बेल के पेड़ के पास जाकर उन गेहूं के दानों को वहीं जमीन में दबा दें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी संतान की तरक्की ही तरक्की होगी। अगर आप अपने शत्रुओं की नित नई चाल से परेशान हैं, तो उनसे बचने के लिए आज के दिन आपको शिव मंदिर में दूध का पैकेट दान करना चाहिए, साथ ही माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद लेना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शत्रुओं की नित नई चालों से जल्दी ही छुटकारा मिलेगा। अगर आप अपनी कोई इच्छा पूरी करना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद बिल्व पत्रों से उमा महेश्वर की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए, साथ ही मंत्र का जप करना चाहिए, पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय। आज के दिन ऐसा करने से आपकी इच्छा जल्दी ही पूरी होगी। अगर आप अपने परिवार की समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आज के दिन आपको एक मिट्टी के पात्र में चावल लेने चाहिए और बेल के पेड़ के पास जाकर पेड़ को प्रणाम करके पात्र सहित
चावल वहाँ रखकर आने चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार की समृद्धि बनी रहेगी। अगर आपके और आपके जीवन साथी के बीच अनबन इतनी बढ़ गई है कि बात अब कोर्ट कचहरी तक जा पहुँची है और आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो उससे बाहर निकलने के लिए आज के दिन आपको बेल पत्तों से होम करना चाहिए। आप चाहें तो ये होम किसी ब्राह्मण से करवा सकते हैं या फिर स्वयं भी घर पर होम कर सकते हैं। आज के दिन बेल पत्तों से होम करने से आपकी समस्या का हल निकलेगा और आपका जीवन साथी धीरे धीरे करके आपके प्रति कुछ नरमी बरतेगा। अगर आप अपने कार्यों में सफलता पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद एक लोटे में जल लेना चाहिए और उसमें कुछ बेलपत्र डालने चाहिए। अब शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर वो जल अर्पित करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने कार्यों में सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप अपने लवमेट के साथ अपने प्यार के रिश्ते को शादी में बदलना चाहते हैं तो इस शुभ काम के लिए आज के दिन आपको 21 बेलपत्र लेकर उन्हें सफ़ेद बोटे धागे में पिरोकर उनकी एक माला बनानी चाहिए और भगवान शंकर को वो माला अर्पित करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से लवमेट के साथ आपके प्यार का रिश्ता जल्दी ही शादी में बदल जाएगा। तो ये सारी चर्चा थी आज मुख्य रूप से देव स्नान पूर्णिमा और बिल्व तिरात्रि के बारे में। बिल्व तिरात्रि के दिन किसी प्रकार विभिन्न शुभ फलों की प्राप्ति के लिए पूजा अर्चना और उचित उपाय करने चाहिए, हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपके दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है ए, छात्र अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहें, सफलताएं छोटी ही सही मगर निरंतर बनी रहेंगी। बी, कारोबारी आज मार्केट से कुछ नए प्रोडक्ट खरीदेंगे, आपको मुनाफा होगा। सी, धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, आपका कोई जरूरी कार्य पूरा होगा। डी, आज आप किसी सामाजिक गतिविधि का हिस्सा बन सकते हैं, आपका दबदबा बना रहेगा। ई, छात्रों के लिए आज का दिन विशेष है, सीनियर से कुछ नया सीखने को मिलेगा। एफ, बेवजह के खर्चों पर नियंत्रण कर आर्थिक स्थिति मजबूत करने की योजना बनाएंगे। जी, कारोबार संबंधी किसी समस्या को अपने बड़े भाई के साथ शेयर करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एच, किसी भी तरह के पारिवारिक मामले में सोच समझकर फैसला करें। आई, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का व्यापार कर रहे लोग मार्केट में जगह बनाने में सफल होंगे। जे, अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए लाभकारी होगा। के, लवमेट अपने नज़रिए को बदलें, इससे आपके बीच कोई गलतफहमी नहीं होगी। एल, व्यापार में पिताजी की सलाह काम आएगी, जिससे आपके जरूरी कार्य पूरे हो जाएंगे। एम, करियर के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, आपको कोई अच्छी सूचना मिल सकती है। एन, पारिवारिक जीवन में खुशहाली बनी रहेगी, सभी लोग कहीं घूमने जाएंगे। ओ, आज आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होंगी, जिससे आपको रिलैक्स फील होगा। पी, आज आपको बेवजह किसी से उलझने से बचना चाहिए, भाषा में मधुरता बनाए रखें। क्यू, आज निजी कार्यों में बहुत सोच समझकर कोई भी निर्णय लीजिए, दूसरों पर ज़्यादा भरोसा करने से बचें। आर, शाम के समय अपने भाई बहनों के साथ बैठकर हंसी मजाक करेंगे, सभी को खुशी मिलेगी। एस, आज व्यापार में स्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी, रोज की अपेक्षा ज़्यादा मुनाफा होगा। टी, आज व्यापार को आगे बढ़ाने के नए तरीके मिलेंगे, आप व्यापार की गति बढ़ाने में सफल होंगे। यू, आज करीबी रिश्तेदारों के साथ आपकी बॉन्डिंग बढ़ेगी, आज आप उनके घर भी जाएंगे। वी, आपका स्वास्थ्य पहले से अच्छा बना रहेगा, साथ ही किसी मामले में आपका आत्मविश्वास बना रहेगा। डब्ल्यू, दूसरों के मामले में बेवजह अपनी राय देने से बचें, नहीं तो आपका विरोध हो सकता है। एक्स, आज कार्यों में आ रही समस्याओं को आप खुद के दम पर आसानी से पार कर लेंगे। वाई, आपको आज किसी काम की जिम्मेदारी मिलेगी, जिसे आप सफलतापूर्वक निभाएंगे। जेड,
पारिवारिक लोग आपका सपोर्ट करेंगे, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपको ये देखकर खुशी होगी। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं कुमाऊं। यहाँ पर गंगोली हाट नामक स्थान पर स्थित है माँ काली का अद्भुत मंदिर, जिसे हाट कालिका मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर को अति जागृत कहा गया है। हाट कालिका माता भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट की आराध्य देवी हैं। कहा जाता है कि 1918 में जब कुमाऊं रेजिमेंट को ले जा रहा समुद्री जहाज डूबने लगा, तो सूबेदार भोला सिंह ने माता को याद किया, जिसके बाद डूबता हुआ जहाज काफ़ी देर चलता हुआ किनारे जा पहुंचा। सूबेदार भोला सिंह ने इसके बाद 60 किलो का घंटा यहां पैदल लाकर चढ़ाया था, जो आज भी यहां मौजूद है। इस स्थान पर आदि शंकराचार्य भी शक्ति को महसूस कर चुके हैं। तो आप भी घर बैठे कीजिए माँ हाट कालिका मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में कल हमने बात की थी शंख के आकार के चेहरे वाले लोगों के बारे में, और आज भी हम उन्हीं के बारे में आगे की चर्चा करेंगे। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों का चेहरा शंख के आकार का, यानी जिसमें चेहरे की आकृति ऊपर की तरफ से चौड़ी लेकिन नीचे की तरफ से सकरी, या कहें बहुत कम चौड़ी होती है, वे लोग बड़े ही गुस्सैल होते हैं। ये तो हमने आपको कल बताया था। ऐसे लोग जब गुस्से में होते हैं तो इन्हें कुछ नहीं सूझता, ये गुस्से में बिना सोचे समझे कोई भी फैसला ले लेते हैं। यहाँ तक कि कई बार तो गुस्से में आकर ये अपने आसपास रखी चीज़ों को भी इधर उधर फेंकना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा अगर इन लोगों के शारीरिक गठन की बात करें तो इनके गाल थोड़े पिचके हुए, चेहरा लंबा, ललाट फैला हुआ, शरीर दुबला पतला, और इनकी आँखों के लाल रंग की आभा दिखाई पड़ती है आँखों में। इन लोगों के अंदर आध्यात्मिकता के प्रति झुकाव देखने को मिलता है। साथ ही ये लोग किसी को भी अपनी तरफ आसानी से आकर्षित कर लेते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा शंख के आकार के चेहरे वाले लोगों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 22 जून को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की उदया तिथि पूर्णिमा है। पूर्णिमा तिथि आज सुबह 6:38 पर समाप्त हो चुकी है। फिलहाल प्रतिपदा तिथि चल रही है। प्रतिपदा तिथि में कद्दू या कोहड़ा या सीताफल खाना निषिद्ध है। प्रतिपदा तिथि आज का पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:14 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी। द्वितीया तिथि में बैंगन का सेवन करना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पूरब, यानी कि ईस्ट। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज गणेश जी के दर्शन करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।